हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? और सॉरी गुड इवनिंग हुआ है, लेकिन फिर भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये ब्लॉग मॉर्निंग में जाएगा ना। तो हम लोग आज भी कहीं जा रहे हैं। आज भी आपका शुरुआत मतलब राधिया के बालों से हो रहा है। वो देखिए राधिया के बालों में लंबा है, उसने काट दिया है फिलहाल ही, ज़्यादा देर नहीं हुआ। यहाँ पे प्रीति देखिए बहुत एकदम मेकअप कर रही है, लिपस्टिक वगैरह। माय गॉड, देखिए मेकअप आर्टिस्ट है। देखिए आप लोग को अगर मेकअप करना नहीं आता है तो हमारी प्रीति से सीख लीजिएगा। फैंसी हमारी ब्यूटीफुलेस्ट, द सेक्सीएस्ट लेडी इन दिस हाउस, मिस कृतिका। कृतिका देखा बोरुआ, ये कभी बूढ़ी नहीं होगी क्योंकि ये देखा बोरुआ है ना। और ये है कृतिका का बिस्किट, किसी उठाने का मनी प्लांट। बेचारा देखिए मनी प्लांट का सिर तो कहाँ है पता ही नहीं। ये है गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे, और ये कृति को मिला था बेस्ट फ्रेशर, हम तो गए नहीं ना इसीलिए मिला, नहीं तो नहीं मिलता। हम लोग जा रहे हैं इको विलेज के तरफ, और ये प्रीति राधिका वहाँ पे निकल रही है, वो देखो राधिका, और हम लोग अभी जा रहे हैं। तो मिलते हैं इको विलेज में पहुँच के। गर्म ना है, ये ठंडा है। गर्म होने के लिए जा रहा है अभी गाइस। मैंने फर्स्ट टाइम आए हूं मैं, कि बात थोड़ा बोला हूं लोगों ने इतनी सारे। तो यहाँ पे हो रहा था गणेश पूजा, हम जहाँ जा रहे थे इको विलेज की तरफ, उसमें रास्ते में दिखा कि आज भी यहाँ पे गणेश पूजा हो रहा था। तो गाइस रास्ता बहुत ही सुनसान है, पता नहीं ये कृति हमको कहाँ लेके जा रही है, मुझे तो डर लग रहा है गाइस। ये भूल गई पोहर है बहुत सुनसान है रास्ता। यहाँ पे जितना जो दिख रहा है ना उजाला, उतना उजाला नहीं दिख रहा है हमारी आंखों से, बहुत अंधेरा दिख रहा है। लेकिन मेरा फोन का कमाल है कि इतना उजाला तो दिख रहा है गाइस। कुछ तो लोग यहाँ पे मीटिंग चल रहा है। हम लोग गाइस पहुँच रहे हैं वहाँ पे, वो देखिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि रात है ना बहुत। ये रहा जगह हम लोग जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और चलिए जाके देखते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं इको विलेज के अंदर में। अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब अभी हमारी, मतलब अभी अभी हमारी यहाँ पे एंट्री हुई है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है जगह। गाइस फाइनली ये रही मैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और चलिए चलते हैं अंदर में, कैसा है लुक देखते हैं अंदर का नज़ारा। भाई साहब रुको। तो ये रहा गाइस मेन एंट्री का जगह, और यहाँ पे आप लोग नीचे में भी अगर खाना चाहते हैं, अगर बैठना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपना क्वालिटी टाइम, तो नीचे में भी है जगह। लेकिन हम लोग जा रहे हैं ऊपर में, तो चलेंगे हम लोग ऊपर, और ऊपर का दिखाएंगे कि ऊपर में कैसा है जगह, क्या नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर। मिस झरना शर्मा देख रही है अभी मेनू, पता नहीं क्या ऑर्डर करेगी ये। मिसी मिसी हंस रही है, हमको ये झरना आज ऑफर दे रही है। मेरी तरफ से क्या ट्रीट? तो गाइज हम लोग ने ऑर्डर किया है वेज पुलाव, और साथ में दाल फ्राई,
तो हम लोग वेट करते हैं अपने खाने का कब आएगा। तो गाइस हम बैठे बैठे रील्स बनाते हुए कर रहे हैं वेट खाने का। खाना ऑर्डर कर दिया है लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो हम लोग सभी लोग का रील्स बनाते हुए उसे देखते हुए हम लोग कर रहे हैं वेट, और आप लोग भी हमारे साथ वेट कीजिए। तो आखिरकार 250 रील बनाने के बाद, इधर उधर 5-6 हज़ार फोटो क्लिक करने के बाद फाइनली हमारा आ चुका है खाना। और अभी भैया वो कर रहे हैं टेबल पर रख के जा रहे हैं हमारा खाना, तो हम अभी खाएंगे दोस्तों। तो आप भी हमारे साथ खाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना है। तो ये रहा गाइस हमारा पुलाव, हमने वेज ऑर्डर किया है क्योंकि मैं वेज खाती हूँ, तो बेचारे वो लोग भी नॉन वेज नहीं खा पाए मेरे लिए। तो हम लोग ने बस नॉर्मल ऑर्डर किया था ताकि डिनर में कुछ खाना ना पड़े और हमारा पेट में भी कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ ना हो। तो नॉर्मली हमने दो पुलाव और एक दाल फ्राई ऑर्डर किया था। तो हम लोग अभी खाने को इंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटो भी क्लिक करना, आजकल का तो ट्रेंड बन गया ना कि खाने से पहले फ़ोटो क्लिक करा जाए। तो थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम करते हैं अपने खाने को इंजॉय। इन लोगों देखिए, बेचारे ड्रिंक वगैरह तो करते नहीं है लेकिन पानी को ही चेयर्स करके बहुत कड़ा है बोल रहे हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या बोलेगा, कुछ बोल भी नहीं सकता है, क्या ही बताएं गाइस, बेचारे दुखी आत्मा। चलिए गाइस करते हैं हमारे डिनर को एंजॉय, हम लोग खाते हैं, आप लोग देखिए। अब देखने के अलावा कर ही कह सकते हैं, खा तो नहीं सकते ना।
लोग ने खाना वाना खा के ख़त्म कर लिया है गाइस। और ये रहा जो एक विलेज का जो रेस्टोरेंट है उसका ऊपर वाला लुक। यहाँ पर आप लोग फुल फैमिली आके एकदम से इंजॉय कर सकते हो, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी देना हो तो एक साथ में। ये बड़ा वाला डाइनिंग है और इससे थोड़ा आगे जाने के बाद ये जो हम बैठे हुए हैं ये भी अच्छा ही है। यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह के साथ आके अपना बर्थडे इंजॉय कर सकते हो। और वो दूसरा वाला पार्ट ही सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम, तो मैंने उधर नहीं दिखाया। कभी फिर से आऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी हम लोग खा चुके हैं, मैंने तो खा लिया, वो लोग खा रहे हैं अभी। तो हम लोग अभी थोड़ा देर बाद यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस हम लोग अपना बिल सब पे करके निकल चुके हैं और आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा बाहर वाला लुक जो कि रेस्टोरेंट कैसा दिखता है। तो बाहर वाला लुक है और यहाँ पे चल रहा है मेरे फ्रेंड्स लोग का फ़ोटो शूट। तो थोड़ी देर फ़ोटो वोटो शूट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। और बाहर में है एक छोटा सा पार्क टाइप जो कि कुछ ऐसा दिखता है। आप लोग अगर यहाँ आएंगे तो फुल टू इंजॉय करके जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली किसी के साथ भी। वैसे ये फैमिली रेस्टोरेंट है, जो रेस्टोरेंट है ये फैमिली वाला है, तो आप लोग आके यहाँ पर फुल इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। आप लोग और भी कुछ सुविधाएं हैं, हम लोग को उतना पता नहीं है, लेकिन बोटिंग वगैरह कुछ दिखा था बाहर में, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो गाइस ये रही मैं और मैं भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही हूँ पार्क पार्क घूम के। और अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ क्योंकि हमें जाना है, अभी थोड़ा शाम हो गया है तो रूम में जाना है, पढ़ाई वढ़ाई भी करना है। डिनर तो हमने कर लिया है, आज बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये रहा गाइस बोटिंग का एरिया। ये यहाँ पे हम लोग गए नहीं क्योंकि रात हो, शाम हो गया है तो हम लोग गए नहीं, लेकिन आप लोग आएंगे तो अच्छे से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, राइड ले सकते हैं बोट का। कहाँ कहाँ तक पहुँचना पता नहीं, हम लोगों को तो अंधेरा दिख रहा है। तो हम लोग ये सब कुछ देखने के बाद अब निकलने वाले हैं रूम की तरफ। थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो वोटो थोड़ा एक दो क्लिक करके हम लोग बस निकलने ही वाले हैं घर की तरफ। गाइस हम लोग निकलते हैं अपनी बसंती में सब लोग, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं, बाय बाय। इसको क्या पूरी सीट बुक कर घर में। और मैंने अपना चड्डी बदल लिया है और सिर्फ टी शर्ट बदलना बाकी है। चड्डी और बदला है, मैंने अपना पैंट बदल चुकी हूँ गाइस। मैं घर पे आ गई हूँ और अभी बस टी शर्ट बदलना बाकी है और नहाना बाकी है। और ये स्कृति, उन्होंने भी कपड़ा बदल लिया है और नमस्कार कर रही है। आइट स्मार बाबा जीती लाया, अब जीती रहो। ये रहा कृति का चश्मा नया वाला, दिखा दो जरा पहन के बहन। ओ भाई सा, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो भैया। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी, तुम सबसे जवान। सौंदर्य साबुन निर्मा, सौंदर्य साबुन। डबल बैटरी। और यहाँ पे कृति देखिए अपना थोड़ा बाल को थोड़ा वो करता है, ये मतलब सोते वक्त भी मेकअप करके सोती है ताकि सपनों में कोई लड़का ऐसा आए तो उसको खराब नहीं दिखना है, सपनों में उसको अच्छा दिखना है। और यहाँ पे है हमारी राधिका खड़े पैसे का हिसाब किताब कर रही है, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं दिखा। नहीं, हमको अभी दिखना है हमारा मोबाइल
इनको अपने मोबाइल में अपनी सैया सुपरस्टार को देखना है क्योंकि बहुत उनको मिस कर रही है वो इतने देर अभी तक कुछ मिस कर नहीं आया यू नो देखो एम्प्टी है देखो गाइस बहुत उनका दिल में वो धक धक कर रहा है मेरे पति मेरे प्राणेश्वर कहां मेरे पति मेरे होने वाले पति मेरे प्राणेश्वर मेरे प्राणनाथ किधर चले गए अभी मुझे लगता है कि हमारा ब्लॉग खत्म करने का टाइम आ गया है यहाँ पे देखिए हमारी ये खूबसूरत लड़की अभी अभी बाय बाय कर रही है देखिए कितना चुम्मा दे रही है आप लोगों को ले लिया करो कम से कम इनका मनी प्लांट बेचारा एक पत्ता यहाँ का तो चला गया अब ये भी बेचारा हार मान रहा है दम तोड़ने के कगार पे और गाइस मैंने मेरा शायद अभी मछली आएगा मुझे मछली का टैंक लेना है मैंने मछली के बच्चे मुझे मिलने वाले हैं यहीं पे डूले जान पे तो शायद मैं मछली पालन करूँगी लेकिन देखना पड़ेगा पहले एक लेके पाल के देखूंगी कैसा होगा और ये रहे हमारे गणपति बाप्पा मोरिया तो गाइस अभी हमें करना पड़ेगा बाय बाय तो गाइस फाइनली बाय बाय फिर मिलेंगे नए ब्लॉग पर नए दिन पर तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर टाटा सब्सक्राइब करिबो क्वा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बाय।